नमस्कार, मैं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अफवाह ग्रसित भीड़ को नियंत्रित करने का महाराष्ट्र पुलिस का फार्मूला, अपर पुलिस महासंचालक बिपिन बिहारी की जुबानी। हिंदुस्तान समेत महाराष्ट्र में भी बच्चा चोर को पकड़ने की अफवाह से ग्रसित भीड़ लगातार निर्दोषों को निशाना बना रही है। हाल ही में महाराष्ट्र के धुले में बच्चा चोरी के शक में 5 लोगों की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार भीड़ इतनी उग्र थी कि लोगों की हत्या करने के बाद उन्हें मौके पर ही जलाना भी चाहती थी। सभी पीड़ित नाथ गोसावी समुदाय से थे, जो रोजी रोटी की तलाश में महाराष्ट्र में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। ऐसे मामलों पर रोकथाम करने और निपटने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने कमर कस ली है। इसी मामले पर बोलते हुए महाराष्ट्र के अपर पुलिस महासंचालक बिपिन बिहारी ने कहा कि पुलिस लोगों में ऐसी अफवाहों के खिलाफ जागरूकता फैलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जो मॉब लिंचिंग का इश्यू है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और पिछले 1.5 महीने से नोटिस में आया है। महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली जून महीने के फर्स्ट वीक से शुरू हुआ है और जुलाई फर्स्ट वीक तक, मतलब करीब 18-19 इंसिडेंट हो चुके हैं, और जिसमें 10 कैजुअलिटीज़ हैं, करीब 20-25 लोग इंजर्ड हुए हैं सीरियस। और रूमर्स जो हैं वो वर्ड्स माउथ एंड सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं, और मॉब उन रूमर्स को बिलीव करके रिएक्ट कर रही है, जो कि गलत है। इन्हें अगर इस तरीके के रूमर्स आ रहे हैं तो पहले तो अपील ये होगी कि लोग इस पे विश्वास नहीं करें, और बिना क्रॉस चेक किए, बिना किसी से बात किए, बिना पुलिस से वेरीफाई किए उसको फॉरवर्ड नहीं करें। जैसे ही अगर कोई मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है इस तरीके के रूमर्स का, तो उसको तुरंत पुलिस को बता दें, सो दैट पुलिस दो तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल और कंटेन कर सकती है। नंबर वन, उसको वेरीफाई करके उसको नेगेट कर देगी ताकि लोगों को सही चीज़ मालूम होगी, और अगर सही चीज़ होगी तो पुलिस उसमें एक्शन ले सकती है ऐसे लोगों के खिलाफ। इसी महाराष्ट्र में पहला जो इंसिडेंट हुआ था फर्स्ट वीक जून में औरंगाबाद में, उसके बाद से ही सारे यूनिट कमांडर्स, और चाहे SP हैं, चाहे IG हैं, चाहे CP हैं, सबको जो है हिदायत दी गई थी कि पुलिस स्टेशन इंचार्ज को ब्रीफ करें और एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करें, जिसमें इस तरीके के रूमर्स का प्रोपगेशन नहीं हो, और दूसरा गांव-गांव में सब लोगों को कॉन्टैक्ट करके बाई फोन, थ्रू SMS, थ्रू व्हाट्सएप मीटिंग ले करके अवेयर करें, ताकि लोग इस चीज़ को देख करके, पढ़ करके रिएक्ट नहीं करें, रादर दे गो टू पुलिस फॉर वेरिफिकेशन। जैसे नंबर वन, और दूसरा अपील ये भी की गई थी कि जिसके पास ये मैसेजेज आते हैं वो रिएक्ट नहीं करें, क्योंकि अगर ये रिएक्ट करते हैं और जोश में मॉब मेंटेलिटी होती है, किसको मारपीट कर दें, कोई इंजर्ड हो जाए, कैजुअलिटीज़ हो जाए, तो उसका आफ्टर इफेक्ट जो होता है, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, मर्डर का केस रजिस्टर हो गया, 307 का केस रजिस्टर हो गया। अभी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में ही करीब 60 लोग अरेस्ट हो चुके हैं इस तरीके के केसेस में। तो ये मॉब मेंटेलिटी की वजह से जिन लोगों ने मारपीट की, सीरियस इंजरी हुई, मर्डर हुआ, लोग अरेस्ट हुए, अब वो जेल में हैं, और वही नहीं उनके परिवार, बच्चे, फैमिली सब लोग सफ़र करेंगे उसकी वजह से। इसलिए हम लोगों ने जो स्टेप लिया है अवेयरनेस कैंपेन का, वो वेरी मैसिव, और धुले का अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद उसको फिर से प्रोपोगेट किया है हम लोगों ने। आपने देखा होगा मालेगांव के इंसिडेंट में, वी कुड सक्सीड इन रेस्क्यूइंग 5 लोगों को जो डिटेन करके रखा हुआ था मारपीट करने के लिए, क्योंकि ऐसा महसूस होता है और लग रहा है कि जिस तरीके से ये चीज़ें थ्रू आउट कंट्री, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, अलग अलग पीरियड में हो रही हैं, कि कहीं तो मिसीवस एलिमेंट इसको आर्केस्ट्रेट कर रहे हैं और स्प्रेड कर रहे हैं, और उनकी मंशा हो सकती है टू क्रिएट क्योटिक सिचुएशन, और जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट में कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न। थ्रू साइबर सेल्स कोशिश हो रही है कि इन लोगों को
जीरो इन किया जाए जहाँ से इस तरीके की चीज़ें जनरेट हो रही हैं, पर अभी तक पिन पॉइंटेड अपने पास सक्सेस नहीं मिली है कि ये एक दो तीन ये लोग हैं जो इसको जनरेट कर रहे हैं। कोशिश चल रही है, ऑफिसर उस पर काम कर रहे हैं जी। ESP हो चाहे IG हो चाहे CP हो, इन लोगों ने पूरे पुलिस स्टेशन जो उनके हैं उसके इंचार्ज जो हैं उनको ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है। एंड द ब्रीफिंग इज़ कि दे शुड रीच अप टू विलेज लेवल, हर गांव-गांव में उनके कॉन्टैक्ट हो जाए, ऑलरेडी कॉन्टैक्ट हैं, सिर्फ उसको सेंसिटाइज करना है। तो इस मुद्दे के तहत सारे पुलिस स्टेशन इंचार्ज जो 1200-1250 पुलिस स्टेशन हैं अपने स्टेट में, उसके इंचार्ज उनकी एरिया में रहने वाले लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, और गांव-गांव में, शहरों में, तालुका प्लेसेस पे, वो चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चाहे व्यापारी संगठन हैं, चाहे अलग अलग एसोसिएशंस हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनकी मीटिंग लेकर के मीटिंग के थ्रू भी ये कर रहे हैं, और साथ में थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, थ्रू SMS मैसेजेस जो ग्रुप बना रखे हैं पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, उसके थ्रू भी कर रहे हैं। मुंबई से शिरीष उपाध्याय, खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।